चलिए जल्दी से ट्रांसफर कर लेते हैं। बैलेंस ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 88,100। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 88,100। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक चला गया। रिसीट एंड पेमेंट तो आपको ट्रांसफर करना ही नहीं क्योंकि अकाउंट दिया हुआ है ऑलरेडी, क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो गया है, क्रेडिटर यहाँ पे नहीं है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पर जाएगा 296,600। ये क्रॉस ट्रांसफर होते हैं 296,600 टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। मेडिसिन आप लिख सकते हो कंज्यूम्ड 96,600, ठीक है। उसके बाद फिर से आप नीचे आएंगे, हाँ जी मेडिसिन कंज्यूम हो गया। उसके बाद आपको रखना है क्लोजिंग स्टॉक, ये आइटम होगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक 97,400, ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 97,400 एसेट साइड पर। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था 97,400, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आता है मेडिसिन हो गया, डॉक्टर्स ऑनरेरियम, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आप सीधा ये खर्चा है सीधा आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दीजिए 90,000। कितना था 90,000, ठीक है। जब कई स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन के एग्जाम में आएगा, देखो फ्रेंड एग्जाम में लगता नहीं है मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, बट इससे आपके बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हो सकता है इसमें से कोई पार्ट पूछने तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा खर्चा आप ट्रांसफर कर दें 275 सैलरीज। ये है आपका सैलरीज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैलरी के बाद पेटी एक्सपेंसेस, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा एक्सपेंस आप लिख दीजिए 4610 पेटी एक्सपेंसेस। छोटे मोटे कुछ खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इक्विपमेंट, ये खर्चा नहीं है, एक एसेट खरीदा गया है 150,000 का, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर 150,000 का। तो हम इसके लिए एक अकाउंट बना के मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए आप देख लो कैसे बनेगा इसका अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको सिखाया था बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट डेप्रिसिएशन का आता है बस, और कुछ नहीं है। टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एक एसेट है तो बैलेंस इसका ओपनिंग डेबिट साइड पर आ गया, और ये इसका जो क्लोजिंग होगा यहाँ पे क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, ये सीडी आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरिंग देयर जो भी खरीदा होगा रिसीट एंड पेमेंट, बेचने का यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे सीधा आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन। अगर बेचा होगा तो बाय बैंक लॉस बाय लॉस, और इधर प्रॉफिट तो प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बनता है, मैं इसको समझा दूंगा एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दूंगा अच्छे से। अब आपको जल्दी से इक्विपमेंट का देखना है, इक्विपमेंट ही खरीदा गया है 150,000 का, तो यहां से आगे एक क्रॉस ट्रांसफर क्योंकि एंट्री है डबल एंट्री। उसके बाद इक्विपमेंट का आप यहाँ नीचे देखेंगे ओपनिंग 212 और 316, 212 ओपनिंग और 360,000, ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद और कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया, तो यहाँ पे इसका टोटल लगा लीजिए, ये लेस कर दीजिए तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 150, ये आ गया 362 माइनस 360, ये एक मिनट 362 2000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ रहा है,
एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ, मुझे डाउट हो रहा है। ये मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब ये डिलीट हो गई थी वीडियो बाय चांस, तो इसमें हम देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है डेप्रिसिएशन। हाँ जी, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन आ रहा है 46 इक्विपमेंट, दोबारा 3,16,000 है। अच्छा अच्छा ये गलती कर दी हमने। ठीक है, तो हमने 360 रख लिया यहाँ पे, इक्विपमेंट का 316 है, सॉरी 360 कर दिया यहाँ पे, गलत हो गया। -316 ये आएगा 46, अब ये आ गया करेक्ट 46,000 का। अब ये ओपनिंग बैलेंस में रखना है आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ओपनिंग बैलेंस है 2,12,000, इक्विपमेंट 2,12,000, उसके बाद है आपका रिसीट एंड पेमेंट में ये अकाउंट क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देना आपको, वो तो आपका बना हुआ है ऑलरेडी। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे ट्रांसफर करना है 46। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, उसके बाद देख लेते हैं हम क्या बच गया है। अब 3,16,000 क्लोजिंग बैलेंस, ये बच गया है क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए इक्विपमेंट, इक्विपमेंट 316। ओके चलिए, तो ये हमारा इक्विपमेंट भी हो गया कवर। हम आगे चलते हैं, अब क्या बचा है, इक्विपमेंट हो गया, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, तो ये सिंपल है, ये एक्सपेंस में हम डाल देंगे 7,500 एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। ये है आपका 7,500। उसके बाद बात आती है कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस 37,750, ये कहां पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, 37,750। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी आइटम ट्रांसफर कर दी हैं रिसीट एंड पेमेंट की, कुछ नहीं बचा। अब नीचे देख लेते हैं हमारा क्या क्या बचा हुआ है। सब्सक्रिप्शन हो चुका है, ये भी हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी हो गया, इक्विपमेंट भी हो गया, बिल्डिंग, बिल्डिंग यहाँ पे बची हुई है। बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 4,00,000 है और क्लोजिंग है 3,80,000। अगर मैं आपको बोलूँ बिल्डिंग अकाउंट आप अपने माइंड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो कैसे कि बिल्डिंग अकाउंट जैसे इक्विपमेंट अकाउंट बना था बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा बिल्डिंग अकाउंट। डेबिट साइड ही पर यहाँ पर ओपनिंग फिर क्लोजिंग, और कुछ दिया नहीं है, तो सारा का सारा जो भी बचा डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो 20,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ओके, और उसके इफेक्ट भी जल्दी जल्दी से डाल लीजिए। ओपनिंग बैलेंस आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, यहाँ पर बिल्डिंग 4,00,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग 380 दिया हुआ है, 380, और डेप्रिसिएशन है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देना है। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20, और यहां पर आपको इस तरीके से इसको पैक कर देना है बस। अब और कुछ बचा नहीं है, सब कुछ हमने कर लिया कंप्लीट। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करना है, और यहां पे मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि हाईलाइट कर पाऊं मैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं रेड। चलिए, तो यहाँ पे टोटल देख लीजिए आप फटाफट से, एक मिनट, टोटल
212 4 लाख 88 100 10 लाख 2400 71 300 17 lakh 73,800 ये आ गया इसका टोटल 17,73,800 माइनस 640 और ये आ गया आपका 17,73,160 ये है आपका कैपिटल फंड। इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं कैपिटल फंड के लिए। और ये कैपिटल फंड कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ये कैपिटल फंड ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ है तो आपको ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल फंड 17,73,160 ओके। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने कैपिटल फंड कंप्यूट कर लिया है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। यहाँ पर हम टोटल लगा लेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर एक दो गलती हो गई हमसे, और गलती मैं आपको पहली गलती बता देता हूँ। यहाँ पर आप मेडिसिन का जो यहाँ ये देखेंगे 296,600 है और ये ट्रांसफ़र कर दिया हमने 96,600, तो एक गलती यहाँ पर है, ये है 296,600 क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं, और ये 96,600 गलती से लिखा गया। एक तो ये गलती है, और दूसरी है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र ही नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालने के चक्कर में वो ध्यान ही नहीं रहा, भूल गए। तो ये जो 70,000 है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 70,000 का ये वाला जो अमाउंट है ये हम क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करना भूल गए। तो ये दो गलतियाँ हो गई थी, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 70,000 और अब कंप्यूटेशन कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है। डेबिट साइड में अगर आइटम आती है, बैलेंस आता है, तो उसको सरप्लस बोलते हैं, और अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो डेफिसिट। तो यहाँ 480 145 1405 और 70 यह आ गया 799,500 और 296,600 माइनस 90 माइनस 275 माइनस 4610 माइनस 46 माइनस 7500 माइनस 20 यह आएगा 59,790 जो कि आपकी बुक से टैली कर रहा है 59,790। आप यहां देख सकते हैं 59,790 का सरप्लस है। उसके बाद ये जो सरप्लस है, और अगर इधर बैलेंस आता क्रेडिट साइड पर, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं बोलते, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करते हैं सरप्लस और डेफिसिट। 59,790 ये ऐड हो जाएगा, जैसे आप नेट प्रॉफिट ऐड करते थे सेम वैसे ही 17,73,160 ये आ गया 18,32,950 ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप टोटल देखेंगे, टोटल कितना आएगा इसका, ये टोटल आएगा 18,33,950 ऐड हो गया, और इसका टोटल अब कर लेते हैं 380,37,750,97,400 और यहाँ पर आएगा 1,00,000 और फिर 2,800 ऐड कर देंगे, तो यहाँ भी सेम ही आ रहा है, यानी 18,33,950 ओके। तो इस तरीके से ही कंप्लीट हो गया आपका आंसर। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये जो अकाउंट मैंने यहाँ पे बड़े सारे अकाउंट बनाए हैं, इनको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है बनाकर ही, क्योंकि ये एक बार आपके माइंड में बैठ जाएंगे अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, फिर आप इनको माइंड में ही प्रिपेयर करा करके फटाफट इनकी ट्रांसफर इनका कर सकते हैं, या आप रफ में फटाफट से कोई पर्टिकुलर रुपीज़ कोई ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं करनी है, फटाफट से टी शेप अकाउंट बनाओ और उस तरीके से ट्रांसफर कर लो, तो उससे क्या होगा एक बारी में आपका आंसर मैच हो जाएगा ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।